सिरमौर सीईओ और विधायक सिमरिया का ऑडियो वायरल होने के बाद जमकर पीटे सीईओ मामले में तीन के खिलाफ मामला दर्ज, 18 से 20 अज्ञात पर मामला दर्ज। फिलहाल सीईओ रीवा के संजय गांधी अस्पताल में आईसीयू वार्ड में भर्ती, रात को ही देखने गए थे एसपी कलेक्टर। सिरमौर सीईओ और विधायक सिमरिया के ऑडियो वायरल होने के बाद जमकर पीटे सीईओ मामले में तीन के खिलाफ मामला दर्ज, 18 से 20 अज्ञात पर भी मामला दर्ज। फिलहाल सीओ रीवा के संजय गांधी अस्पताल में आईसीयू वार्ड में भर्ती हैं, रात को ही देखने गए थे एसपी कलेक्टर। हम आपको बता दें, रीवा के राजनीतिक गलियारों में एक ऑडियो की कल धूम मची थी, जिसमें सिमरिया विधायक और सिरमौर सीओ के बीच बातचीत थी। उसके थोड़ी देर बाद ही सीओ सिमरिया के सिरमौर के साथ मारपीट। पूरे मामले को हाई प्रोफाइल नज़र से देखा जा रहा है। फिलहाल रीवा के संजय गांधी अस्पताल में बीते दिनों मारपीट में गंभीर रूप से घायल सीओ सिरमौर एसके मिश्रा को आईसीयू में इलाज के लिए भर्ती कर दिया गया है। रीवा के सिमरिया थाने में मामले को पंजीबद्ध कर दिया गया है। सीओ के अनुसार बताए गए तीन नाम और 18 से 20 अज्ञात लोगों के ऊपर मामला पंजीबद्ध कर लिया गया है। रीवा के राजनीतिक गलियारों में कल से यह मामला गूंज रहा है। सिमरिया विधायक केपी त्रिपाठी और सीओ एसके मिश्रा के बीच एक ऑडियो वायरल होने के कुछ देर बाद ही एसके मिश्रा के ऊपर सिमरिया के पूर्वा के पास जानलेवा हमला हुआ। घटना की सूचना पाकर प्रशासन तत्काल ही हरकत में आया। गंभीर रूप से घायल एसके मिश्रा को रीवा के संजय गांधी अस्पताल इलाज के लिए लाया गया। रीवा कलेक्टर मनोज पुष्प और पुलिस अधीक्षक नवनीत भसीन देर रात सीओ को देखने संजय गांधी अस्पताल भी पहुंचे। आज पुलिस ने सीओ से बातचीत की, उनसे कथन लिया, उसके बाद सिमरिया थाने में मामले को दर्ज कर लिया। पुलिस अधीक्षक रीवा नवनीत भसीन के अनुसार सीओ का मेडिकल कराया गया है। उन्होंने तीन लोगों के नाम लिए हैं, साथ ही 18 से 20 अन्य लोगों के नाम भी लिए हैं जो अज्ञात हैं। पुलिस ने प्रकरण पंजीबद्ध कर लिया है। तीनों नामजद आरोपियों की गिरफ्तारी के लिए अलग अलग टीम बना दी गई है। यह टीम साइबर सेल की मदद से नामजद आरोपियों को गिरफ्तार करने में जुट गई है। जब पुलिस अधीक्षक से पूछा गया इस हाई प्रोफाइल मामले में सिमरिया विधायक का भी नाम आ रहा है, तो उन्होंने कहा सीओ ने जो भी आरोप दर्ज कराए होंगे, जो भी उन्होंने एफआईआर कराई होगी, उसके हिसाब से हम कार्रवाई करेंगे। आइए आपको सुनाते हैं रीवा के संजय गांधी अस्पताल में सीओ ने और पुलिस अधीक्षक रीवा नवनीत भसीन ने मामले को लेकर क्या जानकारी दी। और कौन था उनके साथ? अच्छा, तो उनमें से एक हाथ और भी कोई पहचान कोई भी? गौतम, विवेक गौतम, हाँ वो सफा वाला जिसका पैसे के लिए बात कर रहे थे वो, हाँ वही लड़का गोरा गोरा, हाँ ठीक। और कौन? वही जो विजय गुप्ता के साथ रहता है। हाँ वही लोकेशन दे रहा था आपका? वही लोकेशन दे रहा था, हमारी गाड़ी पीछे लगाया था, पीछे पीछे ब्रेजा लगी थी पीले कलर की। हाँ। अच्छा, बाकी लोग मुंह बांधे हुए थे, कितनी संख्या में रहे होंगे? मुंह कोई बांधे नहीं था, सब खुले थे, पर लेकिन चूंकि हम गाड़ी का बात किए थे हाँ, तो उन्होंने गाड़ी हमारी शीशा तोड़कर भी घुसे, हाँ फिर हमें बाहर खींचा। तो बनकुइया मंडल ने खींचा, किसने खींचा? बनकुइया मंडल ने खींचा, खींचा, फिर वो सब टूट पड़े पूरे 20 लड़के थे। ठीक है, अब दो लोगों की पहचान आपको है कि ये दो लोग हैं, बनकुइया मंडल विजय और विवेक, विजय के साथ वाला लड़का गोरा गोरा, और विवेक जिसका पैसे की बात हो रही थी। पैसा लिया था, काम नहीं किया था। कल जनपद सीओ के साथ मारपीट की घटना के पश्चात उनका मेडिकल कराया गया और उसके पश्चात उन्होंने जो घटनाक्रम बताया उसके अनुसार एफआईआर पंजीबद्ध की गई है थाना सिमरिया में, और पंजीबद्ध होने के पश्चात प्रकरण में विवेचना प्रारंभ हो चुकी है और अभी हम लोग अग्रिम कार्रवाई कर रहे हैं। जो जो उन्होंने एक्यूज़ बताए हैं उनकी धरपकड़ के लिए टीमें भी लगा रखी हैं और उसमें साइबर सेल भी उनकी हेल्प कर रहा है टीमों। जो उन्होंने बताया है प्रकरण उसके अनुसार एफआईआर की गई है और आगे विवेचना में जो भी साक्ष्य आएंगे उनके अनुसार कार्रवाई इसमें की जाएगी।
तीन उन्होंने नाम बताए हैं और 18-20 अन्य लोग बताए हैं एफआईआर में, उन्हीं का उल्लेख किया गया है।